ठीक है। तो हम थ्योरी के सवाल भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पास पेपर्स में से कुछ भी हमने छोड़ा हुआ ना हो, सारे के सारे पास पेपर्स हमें पता हो कि हमने देखे हुए हैं क्लास में। चलेंगे, फातिमा भी आ गई हैं। अच्छा, तो फातिमा हमारी क्लास का टाइम जो है वो 3:30 है, 4 बजे नहीं है। और दूसरी बात ये फातिमा कि आपको मैंने ईमेल कर दी है, जो रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स थे और जो नोट्स के लिंक्स थे वो आपको मैंने ईमेल कर दिए। और दूसरी बात ये कि हमारी क्लास का टाइम 3:30 है, 3:30 पे आने की कोशिश किया करें, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। कल हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस के, आज हम थ्योरेटिकल सवाल देखते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अच्छा, कोई मसला नहीं फातिमा। अच्छा, अब हम बाकी क्वेश्चंस देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के। तो स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन नंबर 5 है इसके ऊपर। और जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करते हैं तो आप लोग अपनी बुक्स में जिस टॉपिक का वो सवाल है उसको टॉपिक के साथ मार्क कर लें बुक पे, ठीक है जी। या लेक्चर के दौरान लिख लें कि ये फलाने टॉपिक का सवाल है और लेक्चर के बाद उसको बुक में ढूंढ के मार्क कर लीजिएगा। अगर अभी लेक्चर में के दौरान नहीं मिलता वो टॉपिक तो आप लोग लेक्चर के बाद उसको बुक पे मार्क कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, Describe the methods of accounting that may be adopted under the Income Tax Ordinance 2001 by the following persons deriving income chargeable to tax under the head income from business. कौन कौन से persons, company कैसे करती है, other than company किसे person ने कैसे accounting करनी है, और अगर AOP long term contract की से business income earn करती है तो उसने कैसे करना है। तो ये तो तीनों रट्टे के सवाल हैं, जहां पे आपका टॉपिक था अकाउंटिंग का, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और जहां पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे, जहां पे स्टॉक्स का था टॉपिक, ये वहां का पास पेपर है 3 नंबर का। फिर वो कहता है पार्ट बी में, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेटिंग टू द चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये भी उसी टॉपिक के अंदर है, अकाउंटिंग वाले टॉपिक के अंदर, कि अगर आपने कैश बेसिस से अक्रूअल बेसिस पे जाना है या अक्रूअल बेसिस से कैश बेसिस पे आना है तो उसके लिए आपको क्या चीजें करनी है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। फिर इससे अगले साल ये पहले ट्रेंड होता था, स्प्रिंग 2013 तक ये ट्रेंड था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में से थ्योरी के सवाल आते होते थे और न्यूमेरिक सवाल भी आते होते थे। अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, अब सवाल तो नहीं आते, लेकिन क्योंकि पास्ट पेपर्स में ये आ चुके हुए हैं, हमें देखने चाहिए अगर इस तरह के सवाल और भी आ जाएं। फिर जी अगला ऑटम 2012 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी रट्टे का इंतहाई आसान सवाल है। पहले तो वो कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल। तो आपने इंटेंजिबल की डेफिनेशन लिख देनी है यहाँ पर। पार्ट बी में वो कहता है, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन डिडक्शन ऑन इंटेंजिबल्स। तो इंटेंजिबल्स के टॉपिक में आपने जितना कुछ पढ़ा था, अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिडक्ट करते हैं, आप वो यहाँ पर कंप्यूट करके, सॉरी, वो सारा का सारा थ्योरी का जो टॉपिक था वो ये सारा का सारा यहाँ पर पेपर में छाप देंगे, ठीक है। और दोबारा वही बात जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि इस तरह के सवाल अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आप पॉइंट वाइज सब कुछ लिखे आएंगे, किताब में भी पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप भी उसी तरह पॉइंट वाइज लिखेंगे, स्पेसेस छोड़ेंगे। नीट सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपको और अभी से आदत होनी चाहिए। फिर इससे अगले साल स्प्रिंग 2012 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए का पार्ट 2 है। ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस, एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के ऊपर सवाल है, ठीक है जी।
हम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ चांदी एंटरप्राइज अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, द कमिश्नर हैज ऑर्डर्ड द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय चांदी एंटरप्राइज। पहले पार्ट में वो आपसे पूछता है, पेमेंट ऑफ मिनिमम टैक्स एट द रेट ऑफ 0.5% ऑन इट्स टोटल टर्नओवर ऑफ रुपीज 45 मिलियन। तो सिंस हमने अभी मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो ये हम इग्नोर करके आगे चलते हैं। पार्ट टू में वो पूछता है कि डिसअलाउंस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, रुपीज 27,000 स्पेंट ऑन एनुअल ईद मिलन पार्टी अरेंज बाय द फर्म फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। पहले वो ये कहता है कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जो ईद मिलन पार्टी के ऊपर खर्चे हुए हैं वो अलाउबल एक्सपेंस नहीं है, उसको एड बैक कर दें इनकम के अंदर। दूसरा, पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 60,000 विच हैड टू बी पेड टू अ क्लाइंट ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द शिपमेंट मैनेजर। तो कल भी हमने कुछ चीजें नोट की थी कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बार बार इनकम फ्रॉम बिजनेस में पूछे जाते हैं। तो ये जो लेट डिलीवरी का पेनल्टी है ये अक्सर पूछी जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। फिर हमने ये देखना कि क्या ये एडमिसिबल या इनएडमिसिबल है। फिर है डोनेशन ऑफ रुपीज 150,000 पेड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एस्टैब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये एडजस्टमेंट भी कल हमने बार बार देखी थी कि डोनेशन क्योंकि अकाउंटिंग के प्रॉफिट में से लेस होते हैं एक्सपेंस के तौर पर, लेकिन टैक्स के प्रॉफिट में से ये लेस नहीं होते। हम टैक्सेबल इनकम में से टैक्स निकालने के बाद टैक्स लाइबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं डोनेशन का, ठीक है जी। फिर सैलरी ऑफ 850,000 पेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म। तो ये जो सैलरीज होती हैं, जब फर्म की सैलरी हो या किसी कंपनी के ओनर को सैलरी मिल रही हो, तो वो बेसिकली सैलरी नहीं होती, वो डिविडेंड होता है। बेसिकली वो अपना प्रॉफिट विदड्रॉ करा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो ऐसी सैलरी डिसअलाउड होती है। तो हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, डिस अलाउड और डिसअलाउड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए का पार्ट टू आप स्प्रिंग 2012 का एडमिसिबल और इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस के साथ, बेसिकली इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस के टॉपिक के ऊपर है, तो ये भी आप अपने पास रख लें। हाँ जी फातिमा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो पेनल्टीज होती हैं अगर वो बिजनेस की पेनल्टीज हैं, जैसे ये डैमेजेस जो पे कर रहा है वो अपने बिजनेस की वजह से पे कर रहा है, वो अलाउबल एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर कोई पेनल्टी किसी लॉ के अंडर आप पे लगी है, आपने कोई भी कानून तोड़ा है और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ी है, तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस की वजह से किसी को, आपको फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम पे किसी को चीजें नहीं भिजवाई तो आपको कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, डैमेजेस पे करने पड़ रहे हैं, तो बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो तो अलाउबल एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपने कोई कानून वगैरह तोड़ा है, आपको कोई उस तरह का जुर्माना है, तो वो अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा। अच्छा, तो पहले वो कहता है कि डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एनुअल ईद मिलन पार्टी। तो ये आपने अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया है ताकि एम्प्लॉयज अच्छा काम करें, इसलिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से एडमिसिबल एक्सपेंस है, क्योंकि आपने अपना बिजनेस बेहतर बनाने के लिए एक्सपेंस किया, ठीक है। फिर जो लेट डिलीवरी चार्जेस हैं ये बिजनेस के लिए हैं, इसलिए ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, ठीक है जी। ये भी एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं क्योंकि ये बिजनेस के लिए जरूरी थे, वरना आपका कस्टमर लूज हो जाता। फिर जो डोनेशंस हैं उनके बारे में वो कहता है कि ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इससे आप इसको आप इनकम में से माइनस नहीं करते, इसका आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी है, क्योंकि वो पार्टनर है अपनी फर्म का, वो मेंबर है अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, फर्म जो होती है वो एओपी होती है और जो पार्टनर होता है वो मेंबर होता है एओपी का, ठीक है जी। तो इसलिए वो बेसिकली सैलरी नहीं ले रहा, वो बेसिकली अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो निकाल रहा है बिजनेस में से, इस वजह से ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, क्योंकि ये डिविडेंड ले रहा है बेसिकली। अच्छा,
जिले ने पूछा कि एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है वो एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है। तो ये एडमिसिबल एक्सपेंस है जिले, क्योंकि ये अगर तो आप एडवर्टीजमेंट अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वो एडमिसिबल है। अगर आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और बिजनेस के पैसों से इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ठीक है जी। अगर तो आप कोई भी एक्सपेंस बिजनेस पर्पजेस के लिए करते हैं। फिर अगले साल का क्वेश्चन नंबर 4B है, ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर 4B। ये भी रट्टे का सवाल है। इस क्वेश्चन में वो पूछता है, पार्ट ए जो है इसका वो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है। वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सॉल्व जब हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पढ़ा था, जब हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पढ़ा था, ठीक है जी। तो जिले पूछ रहे हैं कि अगर हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो 3 साल के बेनिफिट्स के लिए तो ये बिल्कुल अलाउबल एक्सपेंस होगा, लेकिन आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग में तो आप इस एक्सपेंस को 3 सालों के ऊपर स्प्रेड करेंगे। जब जब जिस जिस साल की एडवर्टीजमेंट की वजह से आपको बिजनेस की इनकम में फायदा हो रहा होगा, उतने सालों के ऊपर आप इनकम भी रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। और टैक्स पर्पसेस के लिए भी हम यही करते होते हैं यूजली कि जिस साल हमारी इनकम आई होती है उसी के अगेंस्ट हम उसका एक्सपेंस भी चार्ज कर रहे होते हैं। अगर तो हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, कंपनी अक्रूवल बेसिस पे चल रही है, तो फिर तो वो वही ट्रीटमेंट करेगी जो अकाउंटिंग में होगा। अगर कैश बेसिस पे चल रही है तो इसी साल सारा का सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट 4B में कहते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज स्पेसिफाइड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। वो आपसे डेफिनेशन मांग रहा है किसकी, पहले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, फिर फेयर मार्केट वैल्यू की। तो फेयर मार्केट वैल्यू हमने सैलरी में भी पढ़ी थी, कैपिटल गेन्स में भी पढ़ी थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी पढ़ी है। और तीसरा वो आपसे डेफिनेशन मांग रहे हैं अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स की। तो अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स हमने चैप्टर 4 में जब बेसिक्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, जब कोई कॉमन एक्सपेंस होता है तो उसको अपोर्शन करना पड़ता है। तो ये अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स की डेफिनेशन हमने वहां पर पढ़ी थी, ठीक है जी। ये भी हो गया हमारा। फिर अगले साल में तो ये सारी जो डेफिनेशन आप डेफिनेशन के साथ यहां आप लिख लें कि जहां पे भी आपने फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ी है, जहां पे अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स पढ़ा है, और जहां पे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ी थी, तो वहां पर आप इनके मार्क कर लेंगे सामने कि ये पास पेपर इस साल का वहां पर आया, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, अगले साल का सवाल देखते हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी। अगले जिले ने कोई क्वेश्चन पूछा है। ओ हाँ जिले, वो आपने मुझे दोबारा याद कराना है, मैं दोबारा देख के बताऊंगी आपको। ठीक है जी आगे चलते हैं। आगे अगले साल का सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, स्प्रिंग 2011 का। तो स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन नंबर 3 में भी एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के ऊपर क्वेश्चन है। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बताएं कि जो ऊपर खर्चे आ रहे हैं उनकी एडमिसिबिलिटी क्या है, क्या वो एडमिसिबल एक्सपेंसेस है या इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है। तो गाजर लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, इंपोर्ट करती है और फिर इंपोर्ट करने के बाद बेचती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पिछले 20 साल से। तो आपने जब कंपनी की टैक्स की प्रोविजंस देखी तो आपने प्रोविजंस में देखा कि बहुत सारी अजीब अजीब किस्म की प्रोविजंस थी। तो पहला पार्ट कहता है, प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 5 लाख पेड ऑन वर्किंग कैपिटल लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन बैंक। गाजर लिमिटेड ने इस पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं डिडक्ट किया था,
अच्छा, चलिए मैं आपका आंसर भी देख लेती हूँ। परफेक्ट हो गया, यानी आपने मिस से पहले जो है ना आंसर ढूंढ लिया। वे चलें गुड हो गया, चलें गुड हो गया। थैंक यू कि आपने मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। मुझे भी याद हो गया कि अगर 80% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हो तो आपका रेवेन्यू जो है एफटीआर में चला जाता है और फिर आपको 1% पे करना पड़ता है ऑन 20% ऑफ लोकल सेल। अच्छा, वेरी नाइस। यानी कि एक्सपोर्ट्स पे आपका जितना टैक्स कट गया वो फाइनल है, उसके बाद और कुछ नहीं कटेगा, और फिर जो बाकी लोकल सेल्स जितनी भी है उस पर आपका 1% टैक्स कट जाएगा। नाइस, आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 5 लाख पेड ऑन अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन बैंक। तो आपने बाहर के किसी मुल्क से कर्जा लिया हुआ है और आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है 5 लाख रुपए का, और आपने जब उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो आपने उस पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा क्योंकि उस बैंक की पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली क्या होती है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट होगा जो यहां से बिजनेस पाकिस्तान में बिजनेस चला रहा होता है, तो जहां पर वो पाकिस्तान में बिजनेस जिस तरीके से चला रहा होता है वो उसकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो ये भी मैं नोट कर लेती हूँ कि हमने रेजिडेंट्स पढ़ ली है लेकिन अभी तक हमने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं पढ़ा। अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं भी होगा तो हम फिर भी इसको जरूर पढ़ेंगे। जहां हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पढ़ा था, मेरा ख्याल था कि मैंने वहीं पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कवर किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। बुक में भी नहीं था और मैंने भी कवर नहीं किया, और आपको पता होना चाहिए क्या है। फिर दूसरे पार्ट में वो कहते हैं, वही जो जिले ने भी पूछा था बीसी से रिलेटेड सवाल, एक्सपेंडिचर ऑफ ₹4,50,000 ऑन प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट जिसका रेवेन्यू आएगा अगले 12 साल में। तो अभी से उन्होंने 4.5 लाख का खर्चा किया लेकिन रेवेन्यू उनको 12 साल में आएगा। फिर इन्होंने बैड डेट्स की एक प्रोविजन डाली है 25,000 की। उसके अलावा इन्होंने रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्लेम किया है अपनी पेरेंट कंपनी से, यानी के जिस कंपनी के इनकी कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर है, 50% या उससे ज्यादा, जो इनकी होल्डिंग कंपनी है, उससे इनको 3 लाख रुपए मिले हैं क्योंकि इन्होंने उनके बिहाफ पे कोई खर्चा किया था। ठीक है, और ये खर्चा उन्होंने किया था 2001 में। इन्होंने एक कोई नई प्रोडक्ट मार्केट की थी जो इन्होंने दुबई से मंगवाई थी और अपने पेरेंट कंपनी की बिहाफ पे खर्चा किया था, तो पेरेंट कंपनी ने अब वो पैसे इनको वापस किए। यानी कि तब उन्होंने वो खर्चा एडमिसिबल एक्सपेंसिस में क्लेम किया होगा जब उन्होंने वो खर्चा किया था अपनी पेरेंट कंपनी की बिहाफ पे, और अब क्योंकि उनको वो पैसे वापस आ गए हैं तो इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। फिर इनिशियल अलाउंस ऑफ 4 मिलियन ऑन अ यूज्ड इक्विपमेंट अक्वायर्ड लोकली फ्रॉम एमएसडी लिमिटेड। तो हमने इसका पढ़ा था कि जब कोई पाकिस्तान का लोकल इक्विपमेंट हो जो सेकेंड हैंड हो, पहले से इस्तेमाल हो चुका हो, उस पर ऑलरेडी कोई इनिशियल अलाउंस क्लेम कर चुका होता है। ठीक है जी, फिर फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू 100,000 एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 300,000 ऑन अ व्हीकल अक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम रैडिश लीजिंग मूली लिमिटेड से इन्होंने 1 लाख रुपए की लीज पे की है और डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम कर रहे हैं ये 3 लाख के, और लीज के रेंटल्स थे 4 लाख के। तो हमने ये देखा था कि जब हमने लीज पे कोई चीज ली हो तो ना ही तो उसका इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस भी उसके अलाउड एक्सपेंस नहीं होते, डेप्रिसिएशन भी अलाउड एक्सपेंस नहीं होती। हमारे लिए क्या अलाउड होता है? उसके लीज रेंटल्स, अगर वो फाइनेंस लीज हो तो। वेरी नाइस, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग लीज में ऐसे, ऑपरेटिंग लीज भी कल हमने देखी थी, एक क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीज का भी क्वेश्चन आया था, तब भी हम अपने लीज रेंटल्स ही क्लेम करते हैं। कल मुझे याद है कि हमने एक न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग लीज भी देखी थी। ठीक है जी, तो ये ऑटम 2011 का क्वेश्चन नंबर 3, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं।
सॉरी, ये स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन था। तो वो पहले कहता है कि जो आपने बाहर के मुल्क के ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट पे किया है, बाहर के मुल्क से जो आपने लोन लिया था, ठीक है जी, तो उसकी एडमिसिबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा? आप रेजिडेंट हैं और आपने पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो अर्न की थी, और अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम में से इंटरेस्ट पे किया था फॉरेन कंपनी को, और आपने उसमें से टैक्स काटना ही काटना था। ये आपने नहीं सोचना था कि क्या नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। आपका मसला नहीं है कि वो कंपनी, क्योंकि अगर तो वो नॉन रेजिडेंट की यहाँ पर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो पाकिस्तान में उसका टैक्स उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की इनकम से कट जाएगा। लेकिन अगर उसकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो क्योंकि पाकिस्तान की इनकम बाहर जा रही है तो यहीं पर उसका टैक्स काट के उसको बाहर भेजा जाएगा। इस वजह से ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है क्योंकि इस पे उसने टैक्स नहीं काटा। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स का वो कह रहा है कि सिंस जो आपका ये 12 इयर्स का इकट्ठा मार्केटिंग का खर्चा था, ये एक इंटेंजिबल है क्योंकि इससे आपको बेनिफिट, या आप खर्चे जो आपने कर दिया है वो आपका एक एसेट है, लेकिन आप उस एसेट को ना ही देख सकते हैं ना ही हाथ लगा सकते हैं, तो ये आपका इनटैंजिबल एसेट है। और क्योंकि इस खर्चे के फायदे आपको 12 साल के लिए आएंगे, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कभी भी अगर 10 साल से ज्यादा की लाइफ हो इनटैंजिबल की तो हम टैक्स पर्पसेस के लिए उसको सिर्फ 10 साल या उससे कम पे ही अमोर्टाइज करते हैं। इसलिए ये हर साल 10 सालों के लिए अमोर्टाइज करके एक्सपेंस डाल देंगे अपने एडमिसिबल एक्सपेंसेस में, ठीक है जी जिले। तो ये जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि तो हमने यही देखा कि अगर अक्रूअल बेसिस पे हम चल रहे हैं तो फिर हमारा जो मार्केटिंग का एक्सपेंस होगा जिसका फायदा हमें काफी सालों पे आ रहा है, तो वो अगर तो 3 सालों का फायदा है तो 3 सालों पे अमोर्टाइज करेंगे, लेकिन अगर 10 साल से ज्यादा उसका फायदा है तो फिर हम उसको 10 सालों के अंदर अंदर अमोर्टाइज कर देंगे। फिर बैड डेट्स में सिर्फ वो बैड डेट्स एडमिसिबल होते हैं जो पहले इनकम में इंक्लूड होते हैं, पहले उन पे ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके होते हैं अगर, तो फिर वो बैड डेट के तौर पे अलाउ होते हैं। तो जो स्टाफ को लोन दिया हुआ था, जो बैड डेट हुआ है वो किस पे हुआ है? वो आपके कस्टमर की बैड डेट नहीं हुआ, आपने अपने किसी एम्प्लॉई को कर्जा दिया हुआ था। और क्योंकि जो यूजुअल डेटर्स का बैड डेट होता है वो तो पहले सेल्स के तौर पे इनकम में आ जाता है, लेकिन जो आपने अपने ही एम्प्लॉय को कोई लोन दिया हुआ था वो आपने इनकम के तौर पे पहले टैक्स नहीं किया था। तो ये टेक्निकल बात है जरा, कि जो आपने एम्प्लॉय को लोन दिया था वो आपने इनकम में से नहीं दिया हुआ था, वो जिस भी अमाउंट में से दिया था वो टैक्स नहीं हुई थी, सेल्स के तौर पर टैक्स नहीं हुई थी वो अमाउंट, ठीक है। इसलिए ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। फिर रिकू एक्सपेंस, तो जो पैसे आपको वापस मिले हैं, यानी कि जो पेरेंट कंपनी ने 3 लाख रुपए आपको अब दिए हैं, वो रिकू एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि पहले आपने उनके बिहाफ पे एक्सपेंस किया था और आपने उसको पहले अगर एक्सपेंस के तौर पे क्लेम किया था तो अब आप उसको इनकम में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर आपने पहले टैक्स पर्पजेस के लिए उसको क्लेम नहीं किया तो अब आपको इनकम में भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंस इसने जो खर्चा किया था अपनी पेरेंट कंपनी के बिहाफ पे वो पहले एडमिसिबल था ही नहीं, क्योंकि वो एफटीआर की इनकम में फॉल करता था, क्योंकि उसने दुबई से वो चीज इंपोर्ट की थी और दुबई से आप जो चीज इंपोर्ट करते हैं वो एफटीआर में फॉल करती है। तो सिंस इसने पहले वो खर्चा ये क्लेम ही नहीं कर सका था, तो इस वजह से अब जो पैसे इसको वापस आए हैं वो भी ये इनकम में नहीं डालेगा क्योंकि पहले इसको खर्चा भी अलाउ नहीं हुआ था। तो ये जो स्टाफ लोन वाला पार्ट था और जो ये रिकू एक्सपेंस का पार्ट है, ये थोड़े टेक्निकल पार्ट्स हैं, क्योंकि एफटीआर में जो इनकम फॉल करती है हम उसमें से कोई खर्चे माइनस नहीं करते, हम सीधी सीधी उस इनकम पे जितना भी टैक्स लग जाता है किसी फिक्स रेट पे उस पे फिक्स रेट का टैक्स लगाकर कहते हैं कि यही हमारा फाइनल टैक्स हो गया। जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब आप किसी को चीजें बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं पाकिस्तान में, तो जिस बंदे को आप चीजें या सर्विसेज बेचते हैं उसने जब आपको पैसे वापस करने होते हैं उन चीजों के, तो वो आपका थोड़ा सा टैक्स काटता है लेकिन वो फाइनल टैक्स नहीं होता,
वो 3.5% या 6% या डिफरेंट रेट्स पे टैक्स काटते होते हैं, लेकिन वो फाइनल टैक्स नहीं होता। इसी वजह से आप पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस दोबारा से सारी कैलकुलेट करते हैं अपने टैक्स के रिटर्न के अंदर, जो कॉम्पिटिशन हम बनाते हैं आप उस पर टैक्स निकालते हैं और फिर टैक्स में से उतना टैक्स माइनस कर देते हैं जितना आपका ऑलरेडी विदहोल्ड हुआ है। ये एनटीआर होता है। फाइनल टैक्स का मतलब ये है कि जितना आपका कट गया बस उतना ही कटना था, अब दोबारा नहीं कटेगा, इसीलिए उसकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं बनती। इसीलिए उसका जो एक्सपेंस भी था वो आपने पहले क्लेम नहीं किया था, अब आप इनकम में भी उसको ऐड नहीं करेंगे। अगले पार्ट में वो कहता है इनिशियल डेप्रिसिएशन के बारे में, कहता है कि इनिशियल डेप्रिसिएशन उस चीज पे अलाउ नहीं होती जो पहले से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुकी है, इस तरह से इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। और फाइनेंस फीस के बारे में कहता है कि जो रेंटल्स हैं 4 लाख के वो आपके एडमिसिबल डिडक्शन है, लेकिन जो फाइनेंस चार्जेस है और जो डेप्रिसिएशन है वो आपके अलाउबल नहीं है। ये फाइनेंस चार्जेस जिस लीज कंपनी को जाएंगे उसकी इनकम में टैक्स हो जाएंगे, और जो डेप्रिसिएशन है इस एसेट की वो कौन क्लेम करेगा, वही लीजिंग कंपनी। तो ये एक अच्छा सवाल था एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के ऊपर। आपकी एक लंबी सी एक्सरसाइज है आपके बुक में, तो उसके साथ ये सवाल भी शामिल कर लें एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये अच्छे सवाल हैं। तो हम आगे चलते हैं स्प्रिंग 2011 से आगे, फिर ऑटम 2010 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है जी। ये स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन नंबर 3 था, स्प्रिंग 2011 का। अब हम ऑटम 2010 में जा रहे हैं। तो पार्ट ए जो था, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4A जो था वो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं चैप्टर 4 में, कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है टैक्स में। इसका पार्ट बी है जी, यू आर द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ आइडियल एसोसिएट्स हु आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में देखना क्या है। रिक्वायरमेंट में वो कहते हैं एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो आपने बताना है कि जो ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एडमिसिबल होंगी या इनएडमिसिबल होंगी। यू आर द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ आइडियल एसोसिएट्स हु आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, और फर्म ने आपसे आपकी ओपिनियन मांगी है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या अलाउबल एक्सपेंस है। फिर अगर कोई लाइबिलिटी आपकी खड़ी थी 2006 से और फिर 2009 तक वो पे ऑफ नहीं हुई, 3 साल हो गए अभी तक पे ऑफ नहीं हुई, तो क्या उसको टैक्सेबल इनकम में दोबारा एड बैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या क्लेम कर सकते हैं किसी 3 साल पुराने प्लांट के ऊपर जो चाइना से आपने मंगवाया है और जो प्लांट की बाकी जिंदगी है वो 7 साल की रह गई है। ठीक है जी, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होते हैं वो अलाउड एक्सपेंसेस नहीं होते, एक्चुअल जो बैड डेट होता है आपका वो अलाउबल एक्सपेंस होता है टैक्स पर्पसेस के लिए। इस तरह से उसने ये लिखा है कि फर्म जो है वो बैड डेट्स की तब तक डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती जब तक तीन कंडीशंस ना पूरी हो। एक तो ये कि अभी जो आप बैड डेट क्लेम करने लगे हैं पहले वो टैक्सेबल इनकम के तौर पर टैक्स हो चुका है, जो इसके हमने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे हैं पिछले सवाल में। दूसरा, जो लोन था या जो पार्ट ऑफ लोन था जो आपने किसी को दिया हुआ था, मतलब जो भी पैसे किसी ने आपके देने थे आपने अपने अकाउंट्स में भी उनको राइट ऑफ कर दिया या नहीं कर दिया, यानी कि प्रोविजन नहीं आपने सीधे सीधे राइट ऑफ ही कर दिया उनको। और फिर तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जस्टिफाइड रीजन होनी चाहिए कि हाँ वाकई ये पैसे मुझे वापस नहीं आएंगे। फिर अगले पार्ट में हमने पहले पढ़ा था कि जब आपकी कोई लाइबिलिटी हो और आपने 3 साल तक वो लाइबिलिटी पे ना की हो, ठीक है, और पहले आपने उस लाइबिलिटी का एक्सपेंस क्लेम किया हो कि मैंने ये पैसे किसी को पे करने हैं तो मुझे आप ये एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करने दें, तो अब जो है सब्सिक्वेंटली अगर वो पे ऑफ हो जाते हैं तो फिर आप, अगर तो वो 3 साल तक पे ऑफ नहीं होते तो आप उनको फिर टैक्सेबल इनकम में एड बैक कर देते हैं,
और फिर अगर वो एक्चुअली पे ऑफ हो जाते हैं बाद में, तो फिर आप दोबारा से उसका एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइबिलिटी थी जो 2006 से आउटस्टैंडिंग थी और 2009 में वो टैक्सेबल इनकम में एड बैक कर दी थी क्योंकि 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अब उसकी एक्चुअल पेमेंट हो गई है, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे एक्सपेंस के तौर पे या नहीं? तो अब क्योंकि एक्चुअल वाकई उसको पैसे देने पड़ गए हैं, तो अब ये दोबारा से उसका एक्सपेंस क्लेम कर लेगा क्योंकि 3 साल इसको आउटस्टैंडिंग होने के वजह से पहले उसने दोबारा इसको इनकम में ऐड कर दिया था, अब ये दोबारा उसको एक्चुअल बेसिस के ऊपर क्लेम कर लेगा। फिर इनिशियल अलाउंस ये क्लेम कर सकते हैं इस एसेट के ऊपर क्योंकि ये सेकेंड हैंड तो है लेकिन ये पाकिस्तान में पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये कंडीशंस भी उसने बता दी कि इनिशियल अलाउंस के लिए कंडीशंस क्या हैं, पाकिस्तान में वो चीज पहली मरतबा इस्तेमाल होनी चाहिए, फिर बिजनेस पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और तीसरा ये कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा ऑटम 2010 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो दोबारा से एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के ऊपर था, और अब आखिरी सवाल है ऑटम 2009 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका पहला पार्ट यह है इस क्वेश्चन का कि किन केसेस में कोई भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जो है आपका वो डेप्रिसिएबल एसेट बनता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। बताएं कि कौन सी कंडीशंस अगर पूरी हो तो आपका एसेट डेप्रिसिएबल एसेट के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तो आपने बेसिकली डेप्रिसिएबल एसेट की ही डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा पार्ट टेक्निकल है, उसमें वो कहता है कि आप गेन या लॉस कंप्यूट करें ऊपर के बिजनेस एसेट्स के ऊपर। तो हमने कैपिटल गेन्स की तो पढ़ी थी कि कैपिटल गेन्स का ट्रीटमेंट क्या होता है जब उनके एसेट्स होते हैं, तो ये बिजनेस के एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इसहाक एंटरप्राइजेस के एसेट्स हैं ऊपर। वो कहता है कि टैक्स ईयर 2009 में इसहाक एंटरप्राइजेस ने जो नीचे आने वाले एसेट्स हैं वो डिस्पोज किए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है 200 मिलियन की, कॉस्ट 100 मिलियन थी, और टैक्स ईयर 2008 तक इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ हो चुकी थी, 10 मिलियन की ऑन दी इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरे केस में इन्होंने अपना कोई प्लांट जो था वो नेपाल को बेच दिया, और कितने का बेचा, 28 मिलियन का बेचा। कॉस्ट और WDV कितनी थी इनकी, प्लांट की कॉस्ट थी 25 मिलियन और रिटन डाउन वैल्यू थी फॉर टैक्स पर्पजेस 18 मिलियन। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने 3 ट्रक्स बेचे 2.5 मिलियन के जो इन्होंने टैक्स ईयर 2008 में खरीदे थे, और टैक्स WDV कितनी थी ट्रक्स की, 2.4 मिलियन। ट्रक्स 60% जो थे वो बिजनेस पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होते थे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पजेस के लिए था इनका 20%। तो इसका सलूशन भी हम देख लेते हैं, लेकिन इसका सलूशन जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जैसा हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि टैक्स ईयर 2009 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी और अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो सकती हैं। तो आप लोगों ने ये सवाल लिखना है, और आप लोगों ने अपनी बुक में, हमने इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व की हुई हैं, आपकी बुक में इसकी एग्जांपल्स थी, आपने उनसे कंपेयर करना है कि उनके मुताबिक इसका सलूशन क्या होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेल प्रोसीड, हमने देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड हम कितनी लेते हैं, हम मैक्सिमम अप टू उसकी कॉस्ट लेते हैं। एक कंफ्यूजिंग सी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, मतलब एग्जाम्पल में तो क्लैरिटी थी लेकिन बात कंफ्यूजिंग सी थी कि जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचें बिजनेस की तो हम उसके एक्चुअल सेल प्रोसीड नहीं लेते, हम कितना लेते हैं, हम कहते हैं कि जो कॉस्ट थी उसको हम सेल प्रोसीड कंसिडर कर लेते हैं और उसमें से माइनस करते हैं कि WDV उसकी एसेट की कितनी रह गई है, यानी कि जितनी अभी तक हमने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की होती उतना हमारा गेन आ जाता होता है। तो ये वही ट्रीटमेंट हुआ है,
कि सेल प्रोसीड्स असल में तो कितनी थी, असल में सेल प्रोसीड्स थी 200 मिलियन की और कॉस्ट थी 100 मिलियन की, तो हमने सेल प्रोसीड्स को अज्यूम किया कि वो कॉस्ट के इक्वल है यानी 100 मिलियन की है, और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 10 मिलियन तक की अलाउ हो चुकी हुई थी अब तक, यानी कि जो 10 मिलियन की आपकी डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुकी हुई है वही आपका गेन निकलेगा। फिर अगले पार्ट में उसने जो नेपाल को अपने प्लांट एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट से उसको आए तो 28 मिलियन थे, लेकिन आप कॉस्ट के मुताबिक ही सेल प्रोसीड लेंगे, कितने लेंगे, 25 मिलियन के लेंगे, और गेन कितना लेंगे, जितना अभी तक उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, यानी कि 7 मिलियन की। फिर जो तीन ट्रक्स आपने बेचे हैं वो 2.5 मिलियन के थे, उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू 2.4 मिलियन की थी, और उसमें से आपने लेस किया डेप्रिसिएशन कितनी आपको अलाउ नहीं हुई थी, तो ये डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं हुई थी क्योंकि वो पर्सनल एसेट भी था और बिजनेस एसेट भी था, तो आपने टैक्स के अंडर उस पर 60% डेप्रिसिएशन तो क्लेम की थी लेकिन बाकी 40% क्लेम नहीं की थी। तो ये एग्जाम्पल भी हमारी बुक में है इसी तरह की एग्जाम्पल, तो ये बेसिकली उन्हीं एग्जाम्पल के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा समझ लग जाएगा जहां पर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट वगैरह की थी और जहां पर हमने जो एसेट्स पार्टली इस्तेमाल होते हैं बिजनेस पर्पजेस के लिए और पार्टली इस्तेमाल होते हैं दूसरे पर्पजेस के लिए वो करी थी। ठीक है जी, तो ये हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स हो गए। तो अब 4:38 हुए हैं, आप लोग मुझे 2 मिनट देंगे, मैं भाग के ऊपर जाऊंगी और भाग के नीचे आ जाऊंगी, उतने में आप लोग क्या करेंगे कि अच्छी तरह से स्ट्रेच करें, खड़े हो, अंगड़ाइयां लें ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि हम काफी कुछ दिमाग की दही कर चुके हैं। और फिर हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह खत्म करेंगे टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हमने अभी तक सैलरी भी पढ़ ली, हेड्स ऑफ इनकम अपने सारे कंप्लीट कर दिए, लेकिन इंडिविजुअल्स में कुछ और चीजें भी आती हैं वो भी हम देख लेंगे। वैसे तो हम ये तकरीबन इसके बाद इंशाल्लाह हम एओपी करेंगे, सॉरी इसके बाद हम इंडिविजुअल्स करेंगे, उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम की जो भी चीजें हैं वो कवर कर लेंगे, वो भी छोटी सी हैं, और फिर एओपी छोटा सा ही है, उसमें बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो हम एओपी करके उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके 4 सवाल हैं पास पेपर्स में, बुक में भी जो सवाल होंगे वो देख लेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद हम एओपी करेंगे, सॉरी इसके बाद हम फॉरेन सोर्स करने के बाद फिर हम एओपी करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें भी जो आपके सामने अभी बुक खुली हुई है उसमें अगर आप सेक्शन ओवरव्यू देखेंगे तो जिले हम इसमें से अक्सर चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, हम टैक्स के स्लैब रेट्स पढ़ चुके हुए हैं, हम डिसीज्ड इंडिविजुअल्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो हम आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। ठीक है जी,
चलें जी, हम वापस आ गए हैं। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो हम सबसे पहले अपना माइंड मैप बना लेते हैं, जिसे हम रोज बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो फातिमा, हमारी पढ़ने की एक टेक्निक ये है कि हम हर चीज को समराइज करते हैं, हम कोशिश करते हैं। अच्छा, फातिमा चली गई है, अनफॉर्चुनेटली फातिमा का आई थिंक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया या बिजली का कोई मसला आ गया। तो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, चलिए फातिमा को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन की बात करेगा, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स की, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की बात करेगा, फिर माइनर्स और डिसीज्ड इंडिविजुअल्स की बात होगी। माइनर्स का मतलब है जो लोग अभी तक बालिग नहीं हुए, और डिसीज का मतलब कि जो बेचारे फौत हो चुके हैं उनका कैसे टैक्स निकलेगा, और फिर टोटल इनकम कैसे निकालते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की, और उसके बाद एक एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले वो कहता है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, इंडिविजुअल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी सैलरी इनकम 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है, और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिनकी लेस देन 50% ऑफ द सैलरी इनकम होती है। तो यहां पर मोर देन और लेस देन की बात हुई है, लेकिन एक चीज में इक्वल टू भी आना चाहिए, यानी कि अगर 50 ही आपकी, बहुत ही कोई कोइंसिडेंस हो गया है और 50 ही आपकी सैलरी निकली है और 50 आपका नॉन सैलरीड इनकम है, तो फिर ऑब्वियसली आप कम वाला रेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब किसी टैक्स पेयर किसी भी लॉ के अंडर, आपने हमेशा जो बंदा लॉ के अंडर फॉल कर रहा है उसको कन्वीनियंस देनी होती है। तो सिंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा होगी तो सैलरीड है, 50% से कम होगी तो नॉन सैलरीड है, लेकिन अगर इक्वल इक्वल हो जाए तो कुछ नहीं लिखा हुआ। इसलिए हम देखेंगे कौन सा स्लैब रेट कम पड़ता है। हमने देखा था कि इन केस ऑफ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स कौन से स्लैब रेट कम, स्लैब रेट से 400,000 तक 0% थी, और 400,000 से ज्यादा होने पर 10% थी और उसके बाद थी, और फिर सैलरीड में हमने देखा था के 400,000 तक 0% थी और उससे अगली स्लैब में 5% थी। तो सिंस सैलरी से उसको ज्यादा फायदा पहुंचेगा तो हम उस पर सैलरीड के रेट्स लगाएंगे। ठीक है जी, तो आगे वो यही बता रहा है कि कैलकुलेशन दोनों केसेस में सेम होती है कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है, उस पर रेट कैसे लगाना है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सैलरीड वालों को कम रेट्स लगते हैं और जिनकी दूसरी नॉन सैलरीड इनकम ज्यादा होती है उन पर रेट हाई वाले लगते हैं। ठीक है जी, तो ये जो स्लैब रेट्स होते हैं यह आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर ये हम अपने माइंड मैप में डाल लेते हैं। इस चैप्टर में टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में पहली बात हमने ये पढ़ी कि दो तरह के इंडिविजुअल्स की दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक सैलरीड और एक नॉन सैलरीड, और फिर स्लैब रेट्स है, ये इनकी भी दो टाइप्स हैं, ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है और नॉन सैलरीड के लिए डिफरेंट है। और हमने पढ़ा था कि जो बाकी पर्सन्स होते हैं जैसे कि एओपी कंपनी, स्मॉल कंपनी, उनके रेट्स ऑफ टैक्सेशन फिक्स्ड होते हैं और डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल्स के फर्क होते हैं, इनकी स्लैब रेट्स होती हैं, और कंपनी एओपी वगैरह के फिक्स रेट्स होते हैं। फिर वो कहता है टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स करनी कैसे है। तो सेक्शन 86 ऑफ द ऑर्डिनेंस बताता है कि टैक्सेशन इंडिविजुअल्स की करनी कैसे है। ये एक ही लाइन का सेक्शन है, ये सेक्शन कहता है taxable income and tax liability of each individual shall be determined separately. कहने का मतलब ये कि आप और आपकी बीवी की इनकम सेपरेटली निकलेगी, आपके बालिग बच्चों की और आपकी इनकम सेपरेटली निकलेगी, आपके और आपकी पेरेंट्स की इनकम सेपरेटली निकलेगी अगर आप बालिग हैं। ठीक है जी, किसी की भी ज्वाइंट इनकम नहीं निकल सकती, और कोई निकालेगा भी नहीं, क्योंकि जब आप ज्वाइंट इनकम डालेंगे तो आपके स्लैब रेट्स भी बढ़ जाएंगे, तो आप कभी भी गलती भी नहीं करेंगे। फिर वो बताता है टैक्सेशन ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल एंड माइनर। तो डिसीज्ड इंडिविजुअल का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव में कि डिसीज्ड इंडिविजुअल का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हम देखते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, दोबारा देख लेते हैं। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं डिसीज्ड इंडिविजुअल एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव,
और फिर माइनस चार्ट। और फिर कल हमने एक क्वेश्चन में एक पार्ट पढ़ा था ऑथर के ऊपर, तो ऑथर वाला पार्ट आपके सिलेबस में है लेकिन आपकी बुक में नहीं है, तो हम ये आपको मैं मार्क करा दूंगी, ये सेक्शन 89 आई थिंक ऑर्डिनेंस का, आपको पढ़ा भी दूंगी अभी क्लास में, और आपने अपनी बुक में मार्क कर लेना कि ये सिलेबस में लेकिन किताब में नहीं है, तो हमने ये पढ़ के जाना क्योंकि एक मतलब टेस्ट हो चुका है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर फौत हो जाता है तो उसकी जो विरासत है, जो भी प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है, उस प्रॉपर्टी को जो भी बंदा रिप्रेजेंट करता है लीगली, जो भी लीगली उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ठीक है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन हो सकते हैं? एक तो नेचुरली वो बंदा हो सकता है जिसको वो विरासत दे के गया है, ठीक है, जिसकी ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी बन गई है, एक तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, या फिर अगर कोई बंदा इंटरमेडल करता है स्टेट, उसकी स्टेट के साथ, यानी कि उसकी विरासत के साथ, उसकी विरासत की चीजें जो है, इंटरमेडल का मतलब है इंटरफेयर करना, यानी कि उसकी चीजें अब वो मेंटेन करता है जो फौत शुदा बंदे की चीजें हैं, वो अब जो भी बंदा मेंटेन करता है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव साहब बेचारे के ऊपर क्या लाइबिलिटीज आएंगी? कोई भी टैक्स अगर मरने वाले ने देना था तो अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव साहब को देना पड़ेगा, और कोई भी टैक्स जो अगर वो फौत ना होते, जो बेचारे फौत हो गए हैं, अगर वो फौत ना होते तो उन पे कोई भी टैक्स के अंदर कोई लाइबिलिटी अगर लग सकती थी तो वो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव साहब पे लगेगी। लेकिन जो भी ये लाइबिलिटी होगी उसमें से इन्होंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कितनी लाइबिलिटी होगी, सिर्फ उतनी एक्सटेंट की लाइबिलिटी होगी जितनी वो बंदा विरासत छोड़ के गया। फॉर एग्जाम्पल टोटल जो टैक्स पेबल था वो 10 करोड़ का था और प्रॉपर्टी वो सिर्फ 4 करोड़ की छोड़ के गए हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 4 करोड़ तक लाइबल है, बाकी 6 करोड़ वो अपनी जेब से नहीं डालेगा। और इसी तरह वो कहते हैं कि अगर कोई भी एक्शन लेना था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर, अगर कोई बंदा फौत ना हुआ होता, तो अब चूंकि वो फौत हो गया है तो वो एक्शन आप किस पे लेंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। और फिर अच्छा ये भी हम आगे देख लेते हैं, माइनर्स में देख लेते हैं। जिले पहली बात तो ये कि जो माइनर होता है ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ठीक है। माइनर के केस में अगर सारी विरासत ये किसी माइनर को देखे गए हैं तो फिर जो भी बंदा उस माइनर के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को देख रहा होगा ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, ठीक है जी। तो फिर माइनर तो इन एनी केस लायबल होता अंडर द लॉ, तो फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस जो भी माइनर की केयर कर रहा है और उस प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है वो बंदा फिर लायबल हो जाएगा। फिर वो यही कहते हैं कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी या जो अब हो सकती हैं, अगर वो बंदा फौत ना हुआ होता तो वो आप किसके अगेंस्ट करेंगे? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। माइनर चाइल्ड हम पढ़ लेते हैं, माइनर टैक्स सर्विसेज के लिए कौन होता है? जो 18 साल से कम का हो, जो 18 साल का हो गया वो फिर माइनर नहीं रहता। तो सेक्शन 91, तो माइनर जो है वो टैक्स सर्विसेज के लिए डिफरेंट है, यूजली आई थिंक 21 साल की उम्र में आप बालिग होते हैं, लेकिन अब टैक्स सर्विस के लिए आप 18 साल की उम्र में, क्योंकि दूसरे केसेस में जब भी आपका शनाख्ती कार्ड, जिले कब शनाख्ती कार्ड बन जाता है? मेरा तो इतने काफी अर्से पहले बन गया था, इससे मुझे तो अब याद भी नहीं है। 18 में बन जाता है बस, फिर जितनी यूजली लीगल एज है उतनी आपकी माइनर चाइल्ड के लिए भी लीगल एज है। तो सेक्शन 91 कहता है कि कोई भी इनकम माइनर चाइल्ड की टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है, क्योंकि माइनर जो है वो तनख्वाह तो बेचारा लेता नहीं होगा, ठीक है, किसी भी अगर वो बेचारा तनख्वाह भी लेता है, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई यतीम बच्चा है, हाँ जी जिले में बहुत पुरानी हूँ, एंटीक्स में आना शुरू हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है ना कि एंटीक्स की फिर वैल्यू बढ़ जाती है, तो एनी हाउ क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस से अगर उसको कोई इनकम आती है, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से अगर कोई इनकम आती है तो माइनर की तो टैक्स की कॉम्पिटिशन ही नहीं होती, क्योंकि माइनर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता एज अ टैक्स पे, वो बालिग ही नहीं है, उसका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसका कोई एनटीएन नंबर नहीं होगा, तो वो रजिस्टर्ड टैक्स पे तो बन नहीं सकता। तो फिर अगर किसी माइनर की इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है
जो माइनर होता है उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी नहीं आ सकती, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी मेरा नहीं ख्याल उसकी आएगी, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी आ सकती है अगर उसको जो विरासत में चीज मिली हुई है उससे अगर वो रेंट लेता है तो वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इन्होंने बाकियों का तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई माइनर चाइल्ड था और उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही थी, यानी उसके पेरेंट्स उसको जो भी, कोई भी उसके पेरेंट्स में से दोनों या कोई भी उसको, या उसके कोई दादा बू वगैरह उसको विरासत में कोई बिजनेस छोड़ के देके गए हैं जिससे इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है, तो अब क्योंकि इसकी तो टैक्स रिटर्न बनती नहीं, इसकी टैक्स की कॉम्पिटिशन नहीं होती, तो इसकी इनकम किस पेरेंट की इनकम में शामिल हो जाएगी? जिस पेरेंट की इनकम हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम होगी। अब इसका टैक्स वालों ने ये जुल्म क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो बिजनेस है वो पेपर्स में लीगली शो करते हैं कि माइनर का है ताकि उनका टैक्स बच सके। तो ये इसीलिए प्रोविजन की गई है कि वो टैक्स ना बचा सके जिसकी भी हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम है, ये माइनर की इनकम भी उसी में जानी चाहिए थी, इस वजह से वो हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम वाले पेरेंट में ये इनकम फ्रॉम बिजनेस शामिल कर देंगे। लेकिन आगे वो कहता है कि अगर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस इस बच्चे की इस वजह से आई है कि खुदा ना खास्ता इसके पेरेंट्स जो हैं वो हयात नहीं रहे, या इसके इसको विरासत में अगर वो मिली है, या इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर हयात नहीं है और इसको विरासत में ये मिली है, यानी कि इसके पेरेंट्स इस वजह से ये नहीं कर रहे ताकि वो अपनी अपनी टैक्सेबल इनकम बचा सके टैक्स से, अगर वो जेन्युइन केस है यानी कि वाकई वो उसके फौत हो गए हैं, वरसा उसके फौत हो चुके हैं, तो फिर उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगी, फिर वो टैक्स ही नहीं होगी क्योंकि वो माइनर है, क्योंकि वो कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। फिर ऑथर के ऊपर सेक्शन 89 है आपका, तो सेक्शन 89 कहता है, कल हमने एक पार्ट में पढ़ा था बिजनेस इनकम के न्यूमेरिकल में, वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड्स 24 मंथ, यानी कि अगर कोई आर्टिस्ट है या कोई कलमकार है यानी कुछ चीजें लिखने वाली है, कोई पोइट्री करने वाला है, कोई नॉवल लिखने वाला है, और वो 24 महीने से ज्यादा के लिए उसको टाइम चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि किताबें लिखने में काफी टाइम लग जाता है, तो जो ऑथर है वो कह सकता है कि जो अमाउंट, लमसम अमाउंट मुझे रिसीव हुई है, लमसम अमाउंट का मतलब है टोटल इकट्ठी अमाउंट उसको रिसीव हुई है, तो जब वो किताब पब्लिश कर देगा मुसनफ, बिल्कुल थैंक यू सो मच, तो जब वो अपनी किताब पब्लिश कर देगा तो उसको जो लमसम अमाउंट मिलेगी रॉयल्टीज की। रॉयल्टी क्या होती है? जब बेसिकली ऑथर्स जब किताबें लिख देते हैं तो किताबें वो खुद तो नहीं बेचते ना, वो तो पब्लिशिंग कंपनी किताबें बेचती है, यानी कि अब वो किताब जब भी बिकेगी तो पब्लिशिंग कंपनी को इनकम आएगी। पब्लिशिंग कंपनी मुसनफ से कहती है कि तुम हमसे रॉयल्टी चार्ज कर लो इस किताब की, कि तुमने ये किताब लिखी है तो हम इतनी टोटल अमाउंट तुम्हें दे देते हैं कि इस किताब के अगेंस्ट, लेकिन अब जब हम सेल करेंगे तो वो इनकम हमारी होगी, वो हम तुम्हें नहीं देंगे। तो अगर उसको कोई लमसम अमाउंट की रॉयल्टी मिली है तो फिर वो रॉयल्टी आप सारी की सारी अगर एक साल में टैक्स करेंगे तो उस बेचारे पे स्लैब रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको जिस साल उसको वो इनकम मिली है यानी तीसरे साल उसको वो इनकम मिली है, उस तीसरे साल में और पिछले 2 सालों में इक्वली यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उसकी इनकम को, और उन 3 सालों के ऊपर वो इनकम चार्ज करेंगे। तो अब मसला यही आएगा कि पिछले 2 सालों में आपने वो इनकम, हाँ जी, लेकिन मसला ये मिले कि आपने अगले 3 सालों में चार्ज नहीं करनी आपने इनकम, आपने अब पिछले 3 सालों की आपको रिटर्न दोबारा खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल में और पिछले 2 सालों में आपने वो इनकम शो करनी है, तो पहले तो आपने वो इनकम शो नहीं की थी क्योंकि आपको वो मिली भी नहीं थी, ठीक है? तो ये फिर आपको, जैसे आपने पढ़ा था कि रिटर्न्स हम अपनी चेंज भी कर लेते हैं, नहीं इसमें हम एवरेज रेट नहीं लगाएंगे, एवरेज रेट हम तब लगाते हैं जब हम सारी की सारी चीज इस साल में ट्रीट कर रहे हो सकता था, जैसे हमने अरियर्स में पढ़ा था कि सैलरी अगर आपको अरियर्स में मिले या गोल्डन हैंडशेक वगैरह में हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगा देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहे, वो उसको फिर पिछली रिटर्न को खोलते हैं। तो
तो ये सेक्शन 89 आप लिख लें ऑथर्स की, ये चार लाइनें हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर, ये आपने अपनी बुक किताब में लिख लेंगे, ये आपके सिलेबस में है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा माइंड मैप हो गया टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स का। इसमें हमने सैलरीड और नॉन सैलरीड की क्लासिफिकेशन पढ़ी, स्लैब रेट्स पढ़ी, डिसीज का लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा, माइनर पढ़ा और ऑथर पढ़ा। और अब हम दूसरे टॉपिक पे अपने जाते हैं जो है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो भी रेजिडेंट होता है, सिटीजन नहीं, जो भी रेजिडेंट होता है पाकिस्तान में, बेशक वो एओपी हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, उस रेजिडेंट पर्सन की दो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती हैं। उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होती है और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होती है। तो फॉरेन सोर्स इनकम पे ऑलरेडी हो सकता है बाहर भी टैक्स लग चुका हो, तो फिर उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? ठीक है जी, तो कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम में वो कहते हैं कि जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो सेपरेटली कैलकुलेट होती है और पाकिस्तान सोर्स इनकम सेपरेटली कैलकुलेट होती है। और इसी वजह से ऑब्वियसली जो पाकिस्तान सोर्स इनकम का खर्चा होगा वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम में से माइनस होगा और जो फॉरेन सोर्स इनकम का खर्चा होगा वो सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम में से माइनस होगा। अब इसका करने की वजह से क्या मसला आएगा? इसका करने की वजह से ये मसला आएगा कि हो सकता है आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम आई है 10 करोड़ की और आपके खर्चे हुए हैं 6 करोड़ के, और आपकी फॉरेन सोर्स इनकम आई है 3 करोड़ की और फॉरेन सोर्स एक्सपेंसेस हो गए हैं 6 करोड़ के। तो जो 3 करोड़ का आपको लॉस आया फॉरेन सोर्स इनकम में वो आप पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सेपरेट रखने पड़ेंगे। फिर फॉरेन सोर्स इनकम की कैलकुलेशन भी वैसे ही करनी है जैसे आपने पाकिस्तान सोर्स इनकम की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए आप 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाते हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस केस में भी आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम बना के बिल्कुल वैसे कैलकुलेशन करनी है जैसे आप पाकिस्तान सोर्स इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। और रूल्स क्या है कैलकुलेट करने के लिए? वही सारे रूल्स हैं इन हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए है। लेकिन वो यही बात आपको बता रहा है कि जो फॉरेन लॉसेस आएंगे, फॉरेन सोर्स इनकम आने के बजाय अगर आपको उस साल फॉरेन सोर्स लॉस आ जाता है तो वो आप पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का आपने क्या करना है कि जब किसी रेजिडेंट टैक्स पेयर की फॉरेन सोर्स इनकम आती है जिसपे वो ऑलरेडी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स कटवा चुका है तो उसको क्रेडिट अवेलेबल होगा। लेसर ऑफ कितना? फॉरेन इनकम टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम। इसको करने से पहले हम अपना माइंड मैप अपडेट कर लेते हैं। तो फॉरेन सोर्स इनकम में सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि रेजिडेंट पर्सन की दो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है, एक फॉरेन सोर्स और एक पाकिस्तान सोर्स। और फिर दूसरी बात यह कि बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पढ़े हैं कि इसकी कॉम्पिटिशन बिल्कुल सिमिलर है पाकिस्तान सोर्स से, लेकिन इसकी कॉम्पिटिशन और पाकिस्तान सोर्स की कॉम्पिटिशन भी डिफरेंट होगी और लॉसेस भी डिफरेंट होगी। और फिर हम पढ़ते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको लेसर ऑफ देखना पड़ता है कि लेसर ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन सोर्स जितना भी है वो आपको अलाउ हो जाता है कि इतना आप ना पे करें। अगर यानी कहने का मतलब ये कि अगर तो इसकी आपने जिले एग्जाम्पल जरूर किताब में साथ लिखनी है, मैंने आपको सैलरी के टॉपिक में इसकी एग्जाम्पल भी कराई थी। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने देखना है कि फॉरेन इनकम टैक्स पेड कम था। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के मुताबिक आपका टैक्स बनता था 50 लाख का और बाहर आपका टैक्स कटा 20 लाख का, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा 20 लाख का, यानी कि आपने अब कितना और टैक्स पे करना है? 30 लाख का, ठीक है जी? यानी कि पाकिस्तानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि चलो इसने 20 लाख ऑलरेडी बाहर कटवा दिया है तो बाकी 30 ही हमें पे कर दें। और दूसरा केस ये है कि अगर तो पाकिस्तानी टैक्स पेबल कम है
तो वो फॉरेन टैक्स तो बेचारा पे कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल बाहर उसने 20 लाख रुपए पे किए हैं और पाकिस्तानी टैक्सेस के मुताबिक उसके सिर्फ 10 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है? तो आपको वो कह रहा है कि आपको लेसर ऑफ टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो उस बेचारे के बनते ही सिर्फ 10 लाख रुपए हैं पाकिस्तान में और वो 20 लाख तो ऑलरेडी बाहर पे कर चुका है, तो अब उसको एडिशनली और कुछ नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक उसने 10 लाख रुपए पे करने हैं। और आपको टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है? लोअर ऑफ फॉरेन एंड लोकल। तो लोअर ऑफ जब आप लेंगे तो पाकिस्तान में आपका बनता है 10 लाख का, तो 10 लाख में से जब आप 10 लाख ही माइनस करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि अगर तो पाकिस्तान के मुताबिक कम बनता है, आप ज्यादा दे आए हैं, तो आप एडिशनली कुछ नहीं देंगे, और अगर पाकिस्तान के मुताबिक ज्यादा बनता है तो जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसमें से माइनस कर लें। ठीक। द पाकिस्तानी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर। तो ये भी हमने देखा कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं कि इस साल इसका टैक्स क्रेडिट निकालने से पहले कितना टैक्स बनता है, कितनी टैक्सेबल इनकम बनती है, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलाते हैं और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी नेट फॉरेन सोर्स इनकम से। तो इसका जो फॉर्मूला है, पहली बात तो इसकी ये हो गई और दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स का हो गया, ए बाई बी इंटू नेट फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है जी, ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया इसका। फिर अगर इसकी फॉरेन इनकम जो है वो किस में से आती है, मोर देन वन हेड ऑफ इनकम से, यानी इसको बाहर से सैलरी भी आती है, इसको बाहर से इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आती है, तो ये जो ऊपर वाला प्रिंसिपल है टैक्स क्रेडिट का वो आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे ईच हेड ऑफ इनकम पे। यानी कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप सैलरी पे सेपरेटली देखेंगे कितना टैक्स बनता है पाकिस्तान में और कितना बाहर बनता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर। ठीक है। और फिर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेपरेटली देखेंगे, आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सेपरेटली देखेंगे। ठीक है जी। तो ये सॉरी, ये प्रिंसिपल्स टैक्स क्रेडिट के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं टैक्स पेबल के ऊपर, कि इसका जो टैक्स पेबल भी निकलेगा वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स में निकलेगा और एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपको सेपरेटली कंप्यूट करना पड़ेगा हर हेड ऑफ इनकम के लिए, कि सैलरी का एवरेज रेट ऑफ टैक्स इतना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का इतना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इतना है। मैं पानी पी लिए जिले और फिर पानी पीने के बाद हम रिज्यूम करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर वो कहता है इनकम डिराइव बाय अ टैक्स पेयर फ्रॉम कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम। तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में यही पढ़ा है कि स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस आते तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, सेपरेटली इनकी इनकम कंप्यूट होती है, सेपरेटली इनके एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं, इनके लॉसेस का ट्रीटमेंट सेपरेटली होता है। तो इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम में भी ये सेपरेटली सेपरेटली दो हेड ऑफ इनकम कंसिडर होंगे। तो हमने ये बात पढ़ी टैक्स कैसे निकलेगा और इस पे हमने पढ़ा कि ये हर हेड ऑफ इनकम के लिए सेपरेट होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल है, इसको डोनेशंस का टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल है, इसको लाइफ इंश्योरेंस का भी अवेलेबल है, इसको नई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का भी है, तो फिर इसने सबसे पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है? तो हमने टैक्स क्रेडिट जब पढ़े थे सैलरी में, हमने ये पढ़ा था कि टैक्स क्रेडिट्स का हमेशा ये सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करते हैं, उसके बाद आप डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट और एनलिस्टमेंट का निकालते हैं। वो जो हमने बाकी सारे पढ़े थे, अप्रूव पेंशन फंड में पैसे देना, शेयर्स अगर लिस्टेड कंपनी के उठा लिए हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर कोई डोनेशंस दिए हैं, और फिर आप माइनस करते हैं एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड ऑफ इलेक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है? एडवांस टैक्स वही क्वार्टरली टैक्स है जो आप पूरे साल के 4 क्वार्टर में
अभी आपको ये नहीं पता आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, आप एस्टिमेट बेसिस पे ही हर क्वार्टर में एडवांस के टैक्स जमा करा देते हैं और फिर साल के एंड में टैक्स वालों से कहते हैं कि एक्चुअली इतना बनता है, तो आप एडवांस टैक्स हमसे इतना ऑलरेडी ले चुके हैं। और टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है, यानी कि किसी ने आपका इतना टैक्स काट लिया हुआ है। तो हमेशा क्रेडिट को सेटल करने में सबसे पहले आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करते हैं, फिर दूसरे, और फिर जितना टैक्स आपका ऑलरेडी कट चुका हुआ है, ऑलरेडी टैक्स अथॉरिटीज को जा चुका है, फिर वो माइनस करते हैं। फिर वो कहता है कि अगर कोई टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल था, ठीक है जी, जो कि क्रेडिट नहीं हो सका, यानी कि आप उसको अवेल नहीं कर सके क्योंकि आपकी टैक्स कम बनता था, क्रेडिट ज्यादा बनता था। फॉर एग्जाम्पल, आपका टैक्स बनता था 5 लाख का और आपको क्रेडिट अवेलेबल था 10 लाख का, तो जो 5 लाख का क्रेडिट आप नहीं क्लेम कर सके, ना ही वो रिफंड हो सकता है, ना वो आप पिछले साल के टैक्स के गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, और ना ही आप अगले साल के इनकम के टैक्स के गेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो टैक्स क्रेडिट में हमने सीक्वेंस पढ़ा, और फिर हमने ये पढ़ा कि जो अनएडजस्टेड क्रेडिट है, ठीक है, उसमें नो रिफंड, यानी कि टैक्स वाले आपको पैसे नहीं देंगे, ना ही वो कैरी फॉरवर्ड करने देंगे और ना ही वो कैरी बैक करने देंगे। फिर वो कहता है कि आपको टैक्स क्रेडिट सिर्फ तब अवेलेबल होगा अगर आपने जिस साल आपका वो टैक्स बनता था बाहर के मुल्क में, आपने 2 साल के अंदर अंदर वो टैक्स पे भी किया है, ठीक है जी। यानी अगर आपने फॉरेन टैक्स तो आपका बनता था लेकिन आपने वो पे ही नहीं किया, तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। अब वो कहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स निकलता कैसे। तो एवरेज रेट का मतलब है कि आप निकालते हैं कि कितना आपका इनकम टैक्स बना है बिफोर एनी क्रेडिट, ठीक है, और उस इनकम टैक्स को आप डिवाइड करते हैं उस साल की टैक्सेबल इनकम से, तो आपका एवरेज रेट निकल आता है। और फॉरेन इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, विदहोल्डिंग टैक्स भी, यानी कि अगर बाहर के मुल्क में आपने टैक्स पे किया है या किसी ने आपका टैक्स काटा है, तो वो दोनों फॉरेन इनकम टैक्स होंगे। और नेट फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, अच्छा रिले का क्वेश्चन है कि अगर लॉस पाकिस्तान इनकम से हो और फॉरेन सोर्स इनकम से एडजस्टमेंट भी हो कि लॉस हो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मुझे ये आपकी बात समझ नहीं आई। पाकिस्तान इनकम में आपने देखा है कि कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है, जैसे कैपिटल गेन्स में कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस के कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी इनकम के कैरी फॉरवर्ड होंगे वो सेपरेटली होंगे और जो फॉरेन सोर्स के लॉसेस होंगे वो सेपरेटली होंगे, ठीक है। लॉसेस का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, टैक्स क्रेडिट्स का मतलब कुछ और है, ठीक है। क्योंकि लॉसेस, अच्छा नॉन रेजिडेंट का तो मसला ही है ना, नॉन रेजिडेंट की तो आप सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम लेते हैं, उसके आप फॉरेन सोर्स इनकम तो लेते ही नहीं है, ठीक है। लॉसेस का ट्रीटमेंट ये है कि जितनी आपने टैक्सेबल इनकम निकाली थी, अगर वो टैक्सेबल लॉस निकल रहा है तो वो अगले सालों पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगर उस हेड ऑफ इनकम पे अलाउड हो कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट फर्स्ट चीज है, क्योंकि टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट किस चीज के अगेंस्ट होती है, आपके टैक्स के अगेंस्ट, आपकी इनकम के अगेंस्ट नहीं होती। आप टैक्स क्रेडिट किस में से माइनस करते हैं, आप पहले अपना पूरा टैक्स निकालते हैं और अपने टैक्स में से माइनस करते हैं कि इतना मुझे क्रेडिट अवेलेबल है। सिर्फ एक क्रेडिट है जो आप डायरेक्टली इनकम में से माइनस करते हैं, वो कौन सा था, जो डोनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन 61 की, ठीक है, सिर्फ वो डायरेक्ट डिडक्शन थी इनकम में से, वरना सारे क्रेडिट्स माइनस होते हैं टैक्स में से। तो क्रेडिट्स की एडजस्टमेंट कोई और चीज है, लॉसेस का मतलब है कि इनकम ही आपकी नहीं आया, आपका लॉस आया तो आपने वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी तो इनकम फ्रॉम पाकिस्तान ही सिर्फ टैक्स होती है,
उसमें फॉरेन सोर्स इनकम का रोला ही नहीं होता। तो नेट फॉरेन सोर्स इनकम वो डिफाइन कर रहा है कि नेट फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है। तो नेट फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब है कि उस बंदे की आपने टोटल फॉरेन सोर्स इनकम लेनी है और फिर आपने उसमें से क्या क्या चीजें माइनस करनी है, वो सारी एडमिसिबल डिडक्शंस माइनस करनी है जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं टू डिराइव फॉरेन सोर्स इनकम, यानी कि उस फॉरेन सोर्स इनकम को अर्न करने के लिए उसने जितने खर्चे किए हैं उसमें से जितने खर्चे टैक्स एडमिसिबल हैं वो खर्चे माइनस कर ले। और अगर कोई कॉमन एक्सपेंडिचर है जिसकी अपोर्शनमेंट जरूरी है, तो हमने अपोर्शनमेंट के लिए पढ़ा था कि अपोर्शनमेंट के लिए दो कैटेगरीज बनती हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फिर उसके अंदर हेड्स ऑफ इनकम, और फॉरेन सोर्स इनकम और उसके हेड्स ऑफ इनकम। तो अगर आपका कोई कॉमन खर्चा था पाकिस्तान सोर्स का फॉरेन सोर्स का, तो उसको भी अपोर्शन करके अगर वो एडमिसिबल एक्सपेंस है तो उसको माइनस वगैरह कर लें, ठीक है जी। तो फिर आपकी नेट फॉरेन सोर्स इनकम निकल आएगी जिसके ऊपर आपने अपना टैक्स निकालना है। फिर वो फॉरेन टैक्स के लॉसेस का बताता है कि फॉरेन टैक्स के लॉसेस हमने कैसे लेके चलने हैं। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि अगर आपके जो एडमिसिबल डिडक्टेबल एक्सपेंसेस थे वो अगर फॉरेन सोर्स के थे खर्चे, तो आप किसमें से माइनस कर सकते हैं, सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम में से। और फिर अगर वो खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा थे तो ऑब्वियसली आपका लॉस आ जाएगा फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, तो आप जो फॉरेन सोर्स का लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने सालों के लिए, अगले 6 सालों के लिए, ठीक है जी। तो ये वही प्रिंसिपल है जो हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए और कुछ कैपिटल गेन्स के लिए, कि जो फॉरेन लॉसेस होते हैं वो आप कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उस साल की किसी और फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर अगले 6 सालों की फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर वो कहता है कि जहां पर किसी टैक्स पेयर का फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो आपने सबसे पहले कौन सा लॉस सेटअप करना होता है, जो सबसे पहले लॉस आया होता है, ठीक है जी। तो ये बात भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैरी फॉरवर्ड में। फिर अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में वो कहता है कि जब अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस होगी तो आपने स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम को सेपरेट हेड ऑफ इनकम के तौर पर चार्ज करना है, और फॉरेन सोर्स इनकम ऑब्वियसली जो है किसी भी हेड ऑफ इनकम में जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम सेपरेट हेड होगी और फॉरेन सोर्स इनकम के हेड सेपरेटली होंगे अपोर्शनमेंट के पर्पसेस के लिए। इसमें वो आपको एक एक्सरसाइज भी देता है, हम वो एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। के एल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जिसमें दो पार्टनर्स हैं के और एल, और इनकी 50-50 की पार्टनरशिप है। टैक्स ईयर 2014 में के एल की पाकिस्तान सोर्स इनकम 2.5 मिलियन की थी और उस पर टैक्स कितना बनता था, 7,22,500 रुपए का। अब इनकी फॉरेन सोर्स इनकम के जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम थे वो उसने नीचे आपको बताए हैं और बताया कि किस किस हेड पे कितना टैक्स बनता था और कितने लॉसेस पिछले सालों के अभी तक एडजस्ट नहीं हो सके। वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट कि इस साल कितनी टोटल टैक्स पेबल है और कितने फॉरेन टैक्स के लॉसेस इसने कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो वो कहता है कि इसको इनकम आई है स्पेकुलेशन बिजनेस से, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से, अदर सोर्सेस से और कैपिटल गेन से। इनकम उसने बता दिया आपको, आपको ये बता दिया कि हर इनकम पे उसने टैक्स कितना पे किया है और फिर किस किस हेड ऑफ इनकम पे कितने कितने लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड है, क्योंकि जिस भी हेड का लॉस होता है वो सिर्फ उसी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। फिर वो ये कहता है टैक्स क्रेडिट अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिमेन्ड अनएडजस्टेड ड्यूरिंग द लास्ट टैक्स ईयर। तो ये हमने ऊपर टैक्स क्रेडिट में पढ़ा है कि अगर आपका कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट अनएडजस्टेड है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो
ये पिछले साल का 1 लाख का टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये उसने आपको वर्किंग दिखाई है कि आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम उसने आपको बता दी 2.5 मिलियन की है, स्पेकुलेशन की इनकम आपकी 5 लाख की है, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है 1 मिलियन का, कैपिटल गेन्स है आपके 7,50,000 के, अदर सोर्सेज की इनकम है आपकी 1.25 मिलियन की, तो टोटल आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है 1.5 मिलियन की जब सारे हेड्स ऑफ इनकम की ऐड करें। फिर स्पेकुलेशन बिजनेस में आपको 2.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है और कैपिटल गेन्स में आपका 1.5 मिलियन का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो आप ये देखें कि लॉसेज उन्होंने सबसे पहले सेट ऑफ किए ताकि उनको पता चले कि हर हेड ऑफ इनकम की नेट इनकम कितनी है। पाकिस्तान सोर्स में से कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, वो 2.5 मिलियन ही है। स्पेकुलेशन बिजनेस की 2.5 लाख रह गई, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की 1 मिलियन की अभी भी नेगेटिव इनकम है, यानी कि लॉस है। कैपिटल गेन पे भी अब लॉस आ गया, अदर सोर्सेज के ऊपर 1.25 मिलियन की जो है वो क्या कहते हैं आपकी इनकम है और 5 लाख की आपकी नेट इनकम बन गई लॉसेस एडजस्ट करने के बाद। फिर उसने क्या किया कि उसने नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में जो लॉस आ रहा था 1 मिलियन का, वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो ये वो आपको सिखा रहा है बेसिकली कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से, आप स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैपिटल गेन्स में तो ऑलरेडी लॉस आ रहा है, आप उसके अगेंस्ट भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई, पाकिस्तान से 2.5 मिलियन, स्पेकुलेशन बिजनेस की 2.5 लाख, कैपिटल गेन्स में उसका लॉस आ रहा है अभी भी, और अदर सोर्सेज पे उसकी इनकम नेट रह गई 2.5 लाख की। तो इसकी टोटल इनकम अभी भी 5 लाख की है, क्योंकि जो पहले लॉस आ रहा था वो उसने वहां से लॉस निकाल के यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो बात वही हो गई, पहले वो डिफरेंट जगह से माइनस हो रहा था, अब यहाँ से माइनस हो रहा है, तो 5 लाख की उसकी फॉरेन सोर्स इनकम का नेट है। तो जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है उस पर उसका टैक्स कितना बनता है, 4,72,500 रुपए। पाकिस्तान इनकम टैक्स 2.5 मिलियन के ऊपर उसने स्लैब रेट जब लगाया तो उसका 472,500 का टैक्स निकल आया। फिर उसने क्या करना है, उसने एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाना है फॉरेन सोर्स इनकम पे। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स उसका कितना बनता है इस साल, जितना उसका टैक्स निकला पाकिस्तान सोर्स इनकम पे कितना निकला है, 472,500 डिवाइडेड बाय उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी थी सब सोर्सेज ऑफ इनकम से, 3 मिलियन, पाकिस्तान सोर्स की भी और फॉरेन सोर्स की भी। और फिर ये क्रेडिट उसने अप्लाई कर दिया 5 लाख रुपए के ऊपर। तो ये बुक में थोड़ी सी वैल्यू गलत है, ये 5 लाख है, 50,000 नहीं है। तो ये आपकी टोटल फॉरेन टैक्स का इसका क्रेडिट, पाकिस्तान में इसका कितना टैक्स बनता है, 78,000 का, लेकिन इसने एक्चुअली कितना पे किया है, इसने टोटल जो बाहर इनकम टैक्स पे किया है वो 3,12,500 रुपए पे किया है। ठीक है जी, तो हमने लोअर ऑफ लेना होता है, तो लोअर ऑफ 78,000 है पाकिस्तान का, 78,000 उसने इस साल टैक्स देना था और उतने ही 78,000 उसका क्रेडिट भी है। तो पाकिस्तान में उसने कोई भी वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में उसने उसको क्रेडिट मिल गया 78,000 का, तो उसने जब अपना टोटल टैक्स में से अपना क्रेडिट माइनस किया तो इस साल उसने कितना देना है टैक्स, 393,750 रुपीज का। और नीचे उसने वही लाइन लिखी है कि अनएडजस्टेड, अच्छा अगर उसने डॉलर्स में टैक्स पे किया है तो जिस जिस दिन उसने टैक्स पे किया है उस दिन के डॉलर का रेट अप्लाई होगा। ठीक है, फिर एक और एक्सरसाइज है इसके ऊपर कि जीसीएल लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सेल करता है खाद की, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और बाहर इसकी 2 ब्रांचेस हैं, ब्राजील में और इटली में, और हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है
कि पाकिस्तान में इसकी सेल्स थी 5 मिलियन की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 मिलियन का और टैक्सेस इसने पे किए 4 लाख के। ब्राजील की इसकी सेल्स थी 8 मिलियन की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 मिलियन का और इसने टैक्स कितना पे किया 3 लाख का। और इसी तरह इटली की इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स पेड है। अब वो कहता है कि जीसीएल ने जो पाकिस्तान की इनकम कमाई थी उसमें से एक खर्चा माइनस किया, इसने इंटरेस्ट पे किया है 8 लाख रुपए का किसी बैंक को, लेकिन लोन किस लिए लिया था, इटली की ब्रांच के अगेंस्ट लोन लिया था। तो सिंस ये खर्चा पाकिस्तान की इनकम में से हुआ है लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव करने के लिए हुआ है, इनकम तो इस लोन की वजह से आ रही है इटली से, तो ये एक्सपेंस भी माइनस होगा इटली की इनकम में से। और फिर वो कहता है कि 1 लाख रुपए जो है वो राइट बैक हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेड लास्ट ईयर। तो पिछले साल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ज्यादा हो गई थी तो 1 लाख जो है इन्होंने उससे प्रोविजन कम कर दी है, राइट बैक कर दी है, क्योंकि पिछले साल प्रोविजन ज्यादा थी। और इसके अलावा इन्होंने डोनेशन भी पे किया है किसी को, सेकेंड स्केड्यूल में जो डोनेशन के इंस्टीट्यूशन है उनमें से किसी को। तो वो आपसे कहते हैं कि इसका टैक्सेबल इनकम निकालें, बताएं कि टैक्स पेबल है या रिफंडेबल है, और ये भी बताएं कि आपने जिन चीजों का ट्रीटमेंट किया है वो वैसे क्यों किया है जैसे आपने किया। तो हमने वही हेडिंग्स दी, डीसीएल लिमिटेड कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी टैक्स ईयर 2014 के लिए। अब हमने इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया और हमने यही अज्यूम किया कि यही इसका टैक्सेबल प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन इस टैक्सेबल प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट होने वाली है, सॉरी ये इसका अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करके हमने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमने लिख लिया हर ब्रांच के, उसमें हमने जो माइनस किया था प्रॉफिट ऑन डेट इटली के कर्जे के ऊपर वो एड बैक कर दिया, क्योंकि वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हम माइनस नहीं कर सकते, और हमने इटली की इनकम में से माइनस कर दिया। और जो इस साल लोकल बैड डेट्स की प्रोविजन हमने राइट बैक की है वो हमने लेस कर दी, ठीक है जी। तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई 1.7 मिलियन की। फिर हमने एक्सेस प्रोविजन एड माइनस इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल हमने एक्सेस प्रोविजन क्लेम की थी, ठीक है, तो इस साल हमने उसको माइनस कर दिया क्योंकि पिछले साल इसको ज्यादा टैक्स देना पड़ गया था, इस वजह से हम इस साल उतना इनकम में से माइनस करेंगे। फिर जो डोनेशन सेकंड स्केड्यूल में आ रही होती हैं, क्लॉज में आ रही होती हैं, वो टैक्सेबल इनकम में से डायरेक्ट डिडक्शन होती है, उन पर टैक्स क्रेडिट नहीं आता, तो ये हमने क्लॉज 61 वाली डोनेशन टैक्सेबल इनकम में से सीधी सीधी माइनस कर दी। तो हमारी टैक्सेबल इनकम आई 1.1 मिलियन की, ब्राजील की इनकम आई 1 मिलियन की और इटली की कोई इनकम नहीं आई क्योंकि सारी की सारी इनकम उसकी नेट ऑफ हो गई इस साल। अब ये कंपनी है, ये इंडिविजुअल नहीं है, तो कंपनी पे टैक्स रेट लगता है 34% का, तो इसने टैक्स निकाल लिया 34% का, ठीक है जी। तो ये टैक्स निकल आया कि ब्राजील की ब्रांच पे और पाकिस्तान पे टैक्स कितना बनता है। फिर उसने देखा कि पाकिस्तान में वो ऑलरेडी 4 लाख रुपए पे कर चुका है और फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब उसने निकाला तो उसको पता चला कि बाहर के मुल्क में उसको 3 लाख पे करना, उसने 3 लाख बाहर के मुल्क में उसने, एक सेकेंड जी, बाहर के मुल्क में उसने कुछ पे नहीं किया और उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है 3 लाख का, यानी कि उसने एडिशनल अभी 40,000 रुपए पे करने हैं, तो इसका नेट टैक्स पेबल कितना होगा, 40,000 उसने पे करने हैं, 26,000 उसका रिफंडेबल है पाकिस्तान में, तो 40 माइनस 26 की जो अमाउंट है, ठीक है, ये 14,000 रुपीज जो है उसने टैक्स वालों को अभी पे करने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा क्योंकि कंपनी के क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएंगे, यही अगर उसने कोई इंडिविजुअल बस डाल दिया होता दरमियान में तो इंडिविजुअल पे आपको स्लैब रेट लगाना पड़ता और फिर उसका क्वेश्चन आपको आ जाता था, आ सकता है। तो वो नोट्स में कहता है कि एनी प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाय रेजिडेंट टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड पाकिस्तान
will be allowed as expense against the income of overseas branch. यानी कि कहने का मतलब वही कि ये खर्चा इसने बाहर की ब्रांच के लिए किया तो ये खर्चा उसी की इनकम में से माइनस होगा. और जो डोनेशन सेकंड स्केड्यूल में आते हैं वो स्ट्रेट डिडक्शन होते हैं टैक्सेबल इनकम में से. और इटली ब्रांच में वो कहता है कि इटली ब्रांच में फॉरेन इनकम टैक्स पे हुआ था 2 लाख का और ये 2 लाख ज्यादा था पाकिस्तान के टैक्स से, यानी कि पाकिस्तान में इस पर कोई टैक्स नहीं बनता था क्योंकि इस साल इसकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं थी. लेकिन टैक्स क्रेडिट केस में क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई टैक्स ही नहीं बनता इस साल. तो ये क्रेडिट ना इस साल क्लेम करेगा, ना इस साल कोई रिफंड मिलेगा, और ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और ना ही कैरी बैक कर सकता है. तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी दिमाग की दही काफी है. कल हम इंशाल्लाह ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स इनकम, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, रिटर्निंग एक्सपैट की और एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे. ठीक है जी, तो थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया और फिर हम इसके पास्ट पेपर्स देखेंगे कल इंशाल्लाह, सारे जितने भी पास्ट पेपर्स इसके ऊपर आए हैं अभी तक. और फिर इंशाल्लाह हम परसों से एओपी शुरू कर देंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़.